ओके लेट्स गो। फर्स्ट टाइम के लिए A1 रॉयल पास परचेज कर, ओके करते हैं। ओके डायरेक्ट अलाइट भी हो चुका है हम लोग का, ओके सीधा 31 लेवल हो चुका है। हे एवरीवन कैसे हो आप सब। सो गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि बीजेएमआई का अंदर सीजन क्यों नहीं आया, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आज अपडेट आने वाला है, बट मैं आपको बता दिया था कि थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है वीकेंड के अंदर अपडेट आने वाला है, तो उसका रीजन से बताऊंगा। उसके साथ साथ फाइनली हम लोग फर्स्ट टाइम के लिए A1 रॉयल पास को परचेज करने वाले हैं, वो भी बड़ा वाला पैक, देखते क्या मिलता है और लेट्स सी क्या होता है। फटाफट से मैं लॉग इन करता हूँ और उसका साइड बाय साइड मैं आपको रीजन बताते रहूँगा कि क्यों आपको आज सीजन देखने को नहीं मिला। तो गाइस एक चीज़ आपको पता होगा, इससे पहले जब हम लोग का क्रेट डेट एक्सटेंड हुआ था बीजेएमआई के अंदर, उस टाइम में हम लोग एक चीज़ नोटिस किया कि बीजेएमआई और पबजी का जो सीजन था ना वो डिफरेंस ले चुका है, और उसमें ही थोड़ा बहुत हम लोग का आइडिया हो चुका कि अब से आपको बीजेएमआई का और पबजी का बोल सकते हो जो सीजन है ना वो अलग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अभी जैसे कि आपको पता बीजेएमआई का अपडेट नहीं आया, और सीजन्स का एक और रूल होता है, जब भी आप सीजन्स का बात करते हैं ना तो आपका रैंक पुश का बात आ जाता है, और रैंक पुश जब करते हो ना तो सबको एक ही टाइम में रैंक पुश करने का मौका मिलना चाहिए। जी हाँ, और ये प्रैक्टिकल भी है। मान लो आपको एक रेसिंग में दौड़ने के लिए बोला जाएगा, आपके दोस्त को बोलेगा कि 100 मीटर आगे से तुम दौड़ना स्टार्ट करना और तुम 100 मीटर पीछे से, तो वो अनफेयर हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ सीजन्स में भी होता है, सीजन्स का जो रैंक पुशिंग होता है ना सबको एक साथ मिलना चाहिए। मान लो आज अपडेट ड्रॉप होता है उसके साथ साथ सीजन भी स्टार्ट हो जाता है पहले ही, तो वो अनफेयर होता है। मान लो आपके एंड्रॉयड पहले अपडेट आ गया, आपके दोस्त का एंड्रॉयड हो सकता बाद में आ गया, तो वो क्या होगा कि आप तो पहले ही कॉन्करर के लिए पुश कर लोगे, आपका दोस्त नहीं कर पाएगा, तो वो अनफेयर होता है, राइट। तो इसी चलते अपडेट पहले आएगा और उसका कुछ दिन बाद या उसका बाद वाला दिन ही आपको सीजन देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ मैं पहले ही बोला था, वापस जब बोल रहा हूँ कि सीजन्स आने में बीजेएमआई के अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है। लाइक मैं आपको बताया था कि अगर हम लोग वो डेट को फॉलो करें क्रेट ओपनिंग वाला, तो 1 जून को आपको सीजन देखने को मिलेगा। बट अच्छा बात यह है कि आपको जो हो सकता है अपडेट है ना वो पहले ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो ऐप लिस्टिंग है प्ले स्टोर के अंदर वो लिस्ट हो चुका है 2.6 का। जैसे कि बताया कि 2.6 के आपको देखने को मिलेगा अपडेट, कोई भी गेम फॉर पीस उस नहीं आने वाला। कल बहुत लोग कमेंट कर रहे थे भाई गेम फॉर पीस आने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, पबजी वन ग्लोबली आने वाला। रीज़न बहुत ही सिंपल इसलिए बन जाता है क्योंकि भाई जो गेम्स का जो स्क्रीन है ना वो आपका पबजी मोबाइल वाला है, ना कि गेम फॉर पीस का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले भी सोचना था, मैं पहले ही बता दिया था कि पबजी मोबाइल ही आएगा, बट इस बार जो कनेक्शन होगा ना वो नहीं होने वाला, सर्वर का मेनली कनेक्शन होता है। गेम का जो अंदर का जो वॉयलेशन है उसको अवॉइड करना, ना कि कोई भी स्किन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट बोला है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए जो स्किन्स होगा वो सिमिलर ही रहने वाला है, और इवेंट में चाइनीज वर्ड वर्ड वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इधर आप देख पा रहे हो पबजी मोबाइल का अंदर सीजन आ चुका है, और अच्छा बात ये है कि इस बार बीजेएमआई यूज़र को भी न्यू जर्नी स्टार्ट करने का मौका मिल जाएगा। तो इसको हम लोग काट देते हैं, इसमें तो कोई रैंक इंक्रीज हुआ नहीं है, बट हम लोग आज रॉयल पास परचेस करेंगे, ये एक अच्छा बात है, और बहुत ही जल्दी आप भी रॉयल पास परचेस कर सकते हो। मैं आपको कॉस्टिंग भी बता चुका हूँ कि कैसे कॉस्ट होने वाला है। लाइक अगर आपके पास 300 UC भी है ना, मोर देन इनफ है कि आप रॉयल पास परचेस कर सकते हो, वो लाइव देखेंगे कैसे होने वाला है। वैसे आप देख पर RP लोगों का जो लुक है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, और उसके साथ साथ UC परचेस वाला मैं आपको ये दिखाई दे रहा, छोटा आपको पता चले कि इधर परचेस बोनस भी ऐड हो चुका है। इधर देख पर अगर आप UC ऐड करते हो तो आपको ये सब भी मिलने वाला है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देख पर मैं इन्वेंट्री में ये परचेज करके रखा था, आपको पता है प्री ऑर्डर में, तो देखते हैं। ये देखो ये हम लोग का परचेज है, और प्री ऑर्डर वाला आइटम देखते कैसे मिलेगा। ओके यस, हम लोग का डायनासोर आ चुका है, तो पहले ही जो जो बंदे बड़े वाले पैक लिए होंगे उसको परमानेंट ये मिलने वाला है। इसको कलेक्ट कर लेते हैं, और इधर आप देख पाए हम लोग का डायनासोर मिल चुका है, और चलो नाइस। मुझे आइडिया नहीं वो डायनासोर गया कहाँ लिटरली। ओके इधर आपको एक नया सेक्शन दिखाई दे रहा है, इधर आपको डायनासोर देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं न्यू वाला मोड में, इधर आपको दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ चेयर पार्क एंड वाव वाला एरिया में आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलो रॉयल पास का अपग्रेड करते हैं, इधर आप देख पाए रोरिंग रैम्पेज नाम का रॉयल पास आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे कुछ आइटम हम लोग को मिलने वाला है, ये हम लोग देख चुके हैं, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद वापस से एक और बार क्लिक करेंगे, और अपग्रेड पास में जाने से पहले एक बार हम लोग डेफिनेटली रॉयल पास देखने वाले हैं। वैसे आप देख पर आपके पास ये पहले इंटरफेस आएगा जहां आपको 720 और बड़ा वाला पैक आप ले सकते हो, बट आपके पास इतना यूज नहीं है ना, तो सिंपली आपको ऊपर में क्लिक करना होगा लेवल 50 को, इधर आप देख पा रहे हो, और आप 360 UC में खरीद सकते हो। अगर पास वाउचर होगा ना तो आपको 60 UC नहीं लगने वाला, ठीक है। एक चीज़ बता दें तो बीजेएमआई प्लेयर के पास वाउचर नहीं होगा तो उसको मेल बॉक्स में वाउचर मिल जाना चाहिए जितना मुझे लगता है, क्योंकि पबजी मोबाइल में भी मिलता है वाउचर मेल बॉक्स में, ठीक है। तो मेल बॉक्स में वाउचर आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप 300 UC में ले पाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम लोग काट देते हैं, हम लोग तो बड़ा वाला पैक परचेस करेंगे।
एक बार हम लोग रिवॉर्ड्स देख लेते हैं। तो इधर आप देख पा रहे हैं कुछ रिवॉर्ड्स आ चुका है, इंट्रोडक्शन दे रहा है कि नया रॉयल पास कैसे होने वाला है। इंट्रोडक्शन अभी साइड में रखते, बीजेमए के अंदर आ गया तो मैं वीडियो बना दूंगा भाई, पूरा मिशन मिशन भी आने वाला है। तो खैर अभी केवल एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इधर आप देख पा रहे हैं जो मैं प्रेडिक्ट किया था वही हुआ, एक मटेरियल में आ चुका है। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि भाई ये स्कैम हो चुका है, अभी दो मटेरियल नहीं आपको एक एक मटेरियल मिलने वाला है। टोटल अगर मैं सही कैलकुलेट करूँ तो आपको ये रिवॉर्ड्स आपको चार ही मटेरियल मिलेगा, और चार मटेरियल इधर से और दो मटेरियल उधर से मिलेगा आरपी पॉइंट से। तो अभी वो तो चीज़ दिखेगा नहीं जब तक आप अपग्रेड नहीं करते, 240 पॉइंट लगेगा। तो चलो इसका पहले पास को अपग्रेड करते हैं, उसका देखते हैं। तो इधर हम लोग क्लिक करते हैं और हम लोग बड़ा वाला पैक परचेस करेंगे। चलो क्लिक करेंगे, ओके लेट्स गो। फर्स्ट टाइम के लिए A1 रॉयल पास परचेस कर रहे, ओके करते हैं। ओके डायरेक्ट अलाइट भी हो चुका है हम लोग का, उसका नहीं पता डिसेबल का सीधा ऑप्शन दे रहा नहीं पता किस लिए। ओके सीधा 31 लेवल हो चुका, कुछ पॉइंट वॉइंट बचा था कि क्या नहीं पता, बट इधर आप देख पाए कलेक्ट हो चुका है, हम लोग कलेक्ट करते के। इधर आप देख पाए नियॉन स्लेयर सेट हम लोग को मिल चुका है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग को मिल चुका है प्रिसीजन आर्टिस्ट्री DP 28, हम लोग को मिल चुका है नियॉन स्लेयर कवर, उसके साथ साथ स्टील मॉर्फर हेलमेट हम लोग को मिल चुका है, ये हेलमेट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ेंगे, वायलेट इक्लिप्स थॉम्सन SMG हम लोग को मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग और एक बार क्लिक करेंगे, टेनग्राइन ड्रैंक नाम का एक इमोट हम लोग को मिलने वाला है, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। और बाकी का रिवॉर्ड आप देख पा रहे इस पर आइटम में आप देख पा रहे हो, ठीक है। और सबका सब यूसी है क्योंकि AG करेंसी अभी आपको नहीं मिलने वाला, फ्रेम मिलने वाला इसलिए क्योंकि ये हम लोग पहले परचेज के बड़ा वाला पैक, इसलिए हम लोग को मिलने वाला है, ठीक है। ओके करते हैं, और इधर आते हुए जितना भी रिवॉर्ड था हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं। और अभी AG करेंसी आपको पता है कि कोई भी लेता ही नहीं था AG करेंसी, इसके चलते इसको UC में कन्वर्ट कर दिया गया, तो अभी आप केवल UC ही ले सकते हो रॉयल पास, जो अच्छा बात, कोई भी AG करेंसी लेता ही नहीं था रॉयल पास तो बेकार कर देगा, कोई फायदा भी नहीं है। जब तक आप 100 लेवल नहीं करते तो मटेरियल दिखेगा नहीं कितना मिलने वाला। जितना मुझे आइडिया लगा, अगर वो लीक्स वाला इमेज याद है तो आपको दो तो एटलीस्ट मिल सकता है, ठीक है इधर से, ठीक है। और बाकी का आइटम आप देख पर ये फेस वापस आ चुका है जिसको चाहिए, तो ये चीज़ देख कर रखो बीजेमए के अंदर यही आने वाला, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको लेना है, कौन सा लेना है आप सोच कर रखे। मिशन सब भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, मिशन भी आप देख पा रहे, इसमें वीकली मिशन भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब मैं बीजेमए जब आएगा तो एक्सप्लेन करूँगा। और उसके साथ साथ आप देख पाए सीजन चैलेंज भी आपको दिखा दे, ये पूरा सीजन चलेगा, ठीक है, ये रिफ्रेश नहीं होगा, ये आराम से पूरा आप 2 महीना का टाइम लेके इसको कंप्लीट कर सकते हो, और ये हर एक वीक रिफ्रेश होने वाला। टोटल वापस सब देख पर वीक 8 तक हम लोग का मिशंस आ चुका है, तो वापस से बुम हम लोग कर सकते हैं मिशंस में। और आर यू एक्साइटेड फॉर द न्यू सीजन पबजी यूजर, आप अपना जर्नी स्टार्ट करो, हम लोग भी इस बार पीछे पीछे आएंगे क्योंकि इस बार हम लोग का भी सीजन आने वाला है। तो चलो फटाफट से थोड़ा सा इन्वेंट्री में जाते हैं, थोड़ा आइटम हम लोग पहना देते हैं। लाइक इधर आप देख पर ये आउटफिट हम लोग को मिला, ये हेलमेट हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देख पर हेडगियर आप देख पर ये हम लोग को मिल चुका है, तो ये आउटफिट के साथ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग को DP का भी स्किन मिला है, ओके SMG में आप देख पाए टॉमी का स्किन मिल चुका है, उसके बाद आप देख पा रहे DP का भी स्किन हम लोग को मिल चुका है। तो भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं, इमोट हम लोग को मिल चुका है देखो, ओके ओके चलो इधर हम लोग सेट कर देते हैं इसको, इधर इसको सेट कर देते हैं ये क्या भाई, सही है भाई। और एक चीज़ दिखाने में भूल गया था, इसमें आप क्लिक करोगे और इधर आप देख पा रहे हो जो ये RP एक्टिविटी पैक है, अभी आप वापस से 10 बार इसको खरीद सकते हो, हाँ 10 बार आप परचेस कर सकते हो। पहले आप 2 महीना में 5-5 बार कर सकते थे, अभी 10 बार बराबर सही है, आप एक ही बार में 10 परचेस करके इसको पूरा मैक्स आउट भी कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको पूरा ये रॉयल पास देखने को मिल चुका है, ऑलरेडी मैं दिखा चुका, ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं गए, मेनली मैं आपको बीजेमए का इन्फॉर्मेशन दे दिया है, और ज़्यादा दिन नहीं है गाइस, हो चुका है बस। नेक्स्ट वीक हम लोग को मैं आपको बता रहा हूँ मिलने वाला, मंडे ट्यूसडे के अंदर ही आपको मिल जाना चाहिए, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसी दिन रॉयल पास आएगा, कुछ दिन टाइम लगेगा क्योंकि कैप्टन वाला खुद ही बोल चुका है कि ये मंथ में हम लोग अपडेट देने वाले, वो तो कोरियर वाला साइट में जाकर भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो इतना रखते वीडियो को, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।